पांडे जी, जी सब मोदी जी को हटाना क्यों चाहते हैं? अरे सब नहीं यार, ये सब चोर नेता, भ्रष्टाचारी नेता, इसके अलावा कोई नहीं हटाना चाहता है, समझे यार। अब इनकी तकलीफ क्या है, इनकी तकलीफ ये है कि अगर आज जैसे मोदी जी ये कह देना इनसे कि भाई पुराना जो तुमने खाया पिया सब माफ, आज से नहीं, झंडा लेके बोलेंगे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन इन्हें मालूम है कि मोदी ऐसा आदमी है कि ये इसकी आंख में सुअर का बाल भ्रष्टाचारियों के लिए, ये अब अगर जीत गया ये हलक में से निकाल लाएगा, ये तकलीफ है इनकी। बाकी तो मतलब सारे लोग खुश हैं, अब तकलीफ किसको है? अब आप मुझे खुद बताओ, जिस आदमी ने प्रधानमंत्री बनते ही 18,000 फर्जी एनजीओ, 2,50,000 फर्जी कंपनियां, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, 3 करोड़ एलपीजी फर्जी गैस कनेक्शन ले रखे थे, 2 करोड़ मनरेगा के कार्ड, 80,00,000 टीचर जो फर्जी पैसा वसूल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ये लोग क्या मोदी 40 पढ़ेंगे कि मोदी बढ़िया है? ये तकलीफ है इनको, ये फर्जी जो नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गए, भगोड़े बन गए, एक तो डर के मारे भागे, ऊपर से इनका सारा पैसा उससे ज्यादा वसूल लिया, ये क्या मोदी गुणगान गाएंगे? इनको इसलिए तकलीफ है। तकलीफ और किसको है? तकलीफ भ्रष्टाचारियों को, चोरों को, आतंकवादियों को तकलीफ है, तकलीफ जमाखोरों को तकलीफ है, बाकी किसी को तकलीफ नहीं। पाकिस्तान को तकलीफ है, बोलनी भी चाहिए। अरे यार, जो आदमी सीधे बम मारता हो जाके, जरा सा आतंकवादी हमला, ये सर्जिकल स्ट्राइक, अगली बार ये एयर स्ट्राइक, पहले तो धमकाता था परमाणु बम फेंक देंगे, अब मुशर्रफ ने जब से कह दिया गलती मत कर देना, एक बम परमाणु फेंको वो 20 मारेगा, लियो कर लो बात। चाइना उधर तकलीफ में कि वो पिछली बार डोकलाम में अड़ा तो सामने से खड़ा हो गया, अब किसे एंटी सैटेलाइट मार दिया जो उसकी ताकत थी उससे भी ज्यादा मजबूत कर लिया अपने आप को। तीसरी चीज, अभी वीटो पावर के चक्कर में लगा हुआ है, अमेरिका उसका दोस्त, रूस उसका दोस्त, जर्मनी उसका दोस्त, यूके उसका दोस्त, तो ये सब मतलब इनको तकलीफ ये है, जनता को यह तकलीफ है, जनता खुश है यार, जनता क्या चाहिए? अब आप बताओ।